अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग है चिकन चाउमीन की रेसिपी। सो इस तरह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पानी और कुछ थोड़ा सा ऑयल डाला है और स्पेगेटी को बॉईल किया है। ये आप देख सकते हैं, ये बॉईल हो चुकी है। इनको अब हमने इसमें कढ़ाई में डाला है ऑयल, थोड़ा सा ऑयल को गरम करना है और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है 1 टेबल स्पून। और इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है, चिकन के क्यूब्स वाले पीसेस डाल के। अब हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है 2 to 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून पीसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। इसको अच्छे से मिक्स करना और पकाना है। क्या आप देख सकते हैं, ये पक गया है। अब हम इसको साइड पे रख गए। यहाँ पे हमने डाला है ऑयल। यहाँ पे हम वेजिटेबल फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने लिया चाइनीज गाजर, बंद गोभी और कैप्सिकम। इसको अच्छे से हम ऑयल में, थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आप लोगों ने ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं फ्राई हो गया। अब हम इनके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करना है। और अब हमने 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करना है। और आगे चलते हैं। अब हमने इसके अंदर, अब हमने 1 टेबल स्पून सिलका ऐड करना है इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर देना है, पकाना है इसको। सो गाइस, मैं इसके अंदर अब बॉईल जो की थी चाउमीन ऐड करती हूँ और डिश आउट करके दिखाती हूँ। सो गाइज, मेरी रेसिपी हो गई रेडी। से इस तरह वीडियो का दिया एंड करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। सो अल्लाह हाफिज़।